हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में। नोटिफिकेशन आ गया है काउंसलिंग कब शुरू होगी, कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले चार नोटिस आए हैं, जैसे बी एस सी नर्सिंग के लिए आए थे आपके, तो वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम का नोटिफिकेशन ऑन किया, यहाँ पे आपका देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको गाइडलाइन दी गई है कि आप कैसे फिल कर सकते हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी लॉगिन करनी है आईडी, ठीक है, एम्स की वेबसाइट पे जा करके। वहाँ पे आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ आपको रजिस्टर करना है खुद को, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, उनको लॉक करना है, और देन आपका वेट करना है आपको आपकी अनाउंसमेंट का। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी आपकी रिज़ल्ट की और काउंसलिंग के रिज़ल्ट की, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो जो अलॉटेड एम्स होगा वहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। इसमें बस वही चीज़ बता रखी है और कुछ ऐसा नहीं है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एम्स पैरामेडिकल काउंसलिंग के लिए, जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो, मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन बताया गया कि हम कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप साइबर कैफ़े की हेल्प ले सकते हो डायरेक्ट जाके और अपना उससे करवा लो, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं काउंसलिंग में। अगर आपने पिछले साल किया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी भी होगी और पासवर्ड भी होगा, वो ही यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, अनाउंसमेंट करनी है और एक्सेप्ट करनी है अपनी सीट्स, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने एम्स पैरामेडिकल एम्स बी एस सी नर्सिंग के लिए डिस्कस कर दिए थे पहले ही, तो आप उस वीडियो के थ्रू इन सबको एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा सेम है, कोई अलग नहीं होता है उनका और इनका, तो आप वो चीज़ उससे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये पहला वाला नोटिस आया हुआ है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे आपकी चीज़ें मेंशन हैं ये मैंने ऑलरेडी बी एस नर्सिंग वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक करके और उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। बस यहाँ पे अब हम शेड्यूल देख लेते हैं कि कब आपकी काउंसलिंग्स होंगी। देखो 14 अगस्त से शुरू है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उसका रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा, 23 को मिलेगा। 14 से 18 तक फिल कर सकते हो, 23 को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस वगैरह आपकी चलेंगी, सारी चीज़ें 28 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, 4 सितंबर का ये क्या दिखा रखा है। तो देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीट बच गई हैं वो वैकेंट सीट कंसिडर होंगी, कितनी सीट रह गई हैं वो आपको पता चल जाएगा 4 अगस्त को। और ऑटोमेटिकली ना आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कोई फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली ही उसमें आ जाते हो जिन्होंने अपना सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये 4 को ही रिज़ल्ट आ जाएगा, जितनी सीट वैकेंट है वो भी आ जाएगा और आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस वगैरह चलेगी, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये आपका रहेगा 11 सितंबर तक, ठीक है। ब्रीफ में ये चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं आपकी वीडियोस में, बैकग्राउंड में आपको शोर आ रहा होगा, एक सेकेंड। तो जो भी आपकी क्वेरी या डाउट हैं काउंसलिंग को लेकर के, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और पर्सनली भी मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी यहाँ पे, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप पूछ लेना, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सारे बहुत ज़रूरी हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है।